एसओजी टीम व थाना मुरसान पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 06 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। कब्जे निशादेही से लूटे हुए 2,50,000 रुपए पर कैश, गल्ला, लूट का मोबाइल फोन व घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा अवैध असलाह कारतूस बरामद। पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री विनीत जायसवाल के आदेशानुसार अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सादाबाद के कुशल नेतृत्व में एसओजी टीम व थाना मुरसान पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में थाना मुरसान क्षेत्रांतर्गत थाना हाथरस गेट क्षेत्रांतर्गत व थाना कोतवाली हाथरस क्षेत्रांतर्गत हुई लूट की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटनाओं में शामिल गैंग के सक्रिय 06 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त गणों के कब्जे निशादेही से लूटे हुए 2,50,000 रुपए पर कैश, लूट का गल्ला व मोबाइल फोन, घटनाओं में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व एक प्लेटिना मोटरसाइकिल व 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना मुरसान पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ज्ञात हो कि दिनांक 14 नवंबर 2021 को थाना मुरसान क्षेत्र के ग्राम कोटा में श्री कृष्णा सिंह पुत्र सुरेश चंद निवासी नगला बीच थाना चंदपा जो कि ग्राम कोटा में जनसेवा केंद्र की दुकान पर काम करता है के साथ जनसेवा केंद्र में मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में वादी की प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना मुरसान पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को सुबह थाना हाथरस गेट क्षेत्र के मोहल्ला चमन बिहार कॉलोनी अलीगढ़ रोड के समीप श्री नवनीत वार्षणीय पुत्र श्री गिरीश चंद निवासी चमन बिहारी कॉलोनी थाना हाथरस गेट, जिनकी मंडी समिति में कमीशन एजेंट की दुकान है, वह रोजाना की तरह अपनी स्कूटी से अकेले घर से मंडी समिति के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में पहले से खड़े 3 युवकों द्वारा स्कूटी में धक्का मारकर गिरा दिया तथा स्कूटी में रखा बैग छीनकर भाग गए, जिसके संबंध में थाना हाथरस गेट पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 5 दिसंबर 2021 को थाना कोतवाली हाथरस क्षेत्र के तरफरा रोड में दाल मिल फर्म में चौकीदार रामगोपाल गुप्ता को बातों में लगाकर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा गल्ला व चेकबुक, क्रेडिट कार्ड आदि छीन कर ले गए थे तथा दिनांक 3 दिसंबर 2021 को थाना कोतवाली हाथरस क्षेत्र में नवीपुर बम्बे के पास स्थित दुकान में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा नरेंद्र सिंह से मोबाइल छीन कर ले गए थे। उपरोक्त घटनाओं के संबंध में वादी की प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली हाथरस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक हाथरस श्री विनीत जायसवाल द्वारा उक्त घटनाओं को बेहद गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीमों का गठन कर घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था तथा एसओजी व सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था, जिसके क्रम में टीमों के कठिन परिश्रम व अथक प्रयास उपरांत एसओजी टीम व थाना मुरसान पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में उपरोक्त घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 06 शातिर लुटेरों को आज दिनांक 23 दिसंबर 2021 को अवैध असलाह कारतूस तथा लूटी गई नकदी तथा घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल व प्लेटिना मोटरसाइकिल एवं लूट के मोबाइल फोन रील सहित गिरफ्तार किया गया है। जनपद हाथरस की एसओजी टीम तथा मुरसान पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 6 शातिर लुटेरों का गैंग गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूटे हुए करीब 2.5 लाख रुपए नगद पुलिस ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त 2 अवैध तमंचा और भारी मात्रा में जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल तथा इसके अतिरिक्त एक चोरी की मोटरसाइकिल पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद की है। इनके द्वारा एक लूट की घटना में मोबाइल फ़ोन जो लूटा गया था वो भी पुलिस ने इनके कब्जे से बरामद किया गया है। इन 6 अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ की गई है। इनके द्वारा जनपद हाथरस में माह अक्टूबर में, माह नवंबर में तथा दिसंबर की शुरुआत में विभिन्न स्थानों पर कैश लूट तथा मोबाइल लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके अनावरण हेतु मेरे द्वारा एसओजी टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा अथक प्रयासोपरांत इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इन 6 अभियुक्त में से 2 अभियुक्त जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं, एक मथुरा का निवासी है तथा 3 जनपद हाथरस के निवासी हैं। एक अभियुक्त इसमें अभी वांछित है, गुलफाम, जो एक हिस्ट्री शीटर भी है जनपद अलीगढ़ का, जिसकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। इस सराहनीय कार्य हेतु मेरे द्वारा एसओजी टीम को 25,000 रुपये के कैश रिवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।